हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो बाहर मिस्त्री लोग आ गए हैं, तो उनके लिए बन रही है चाय और नाश्ते में बनेंगे पास्ता। चाय चला गया है लंच वगैरह लेके, अभी मन था पास्ता बनाने का, तो इधर पास्ता उबालेंगे और इधर चाय बन रही है। और यहाँ काट के रख लिया है शिमला मिर्च और टमाटर। शिमला मिर्च और टमाटर डाल के बनाएंगे पास्ता। चलिए, मौसम बढ़िया हो रहा है, खूब बारिश हुई। कल तो पूरा दिन बारिश हुई, झमाझम पूरा दिन कल बारिश होती रही सुबह से शाम तक। काम भी देर में स्टार्ट हुआ था, कल 11 बजे काम स्टार्ट हुआ था लमसम, और आधा लमसम प्लास्टर हो चुका है, आधे से ज़्यादा। चलिए दिखाती हूँ आपको। तो इधर का ये प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सारा प्लास्टर हो चुका है। इधर का भी हो गया है, और अब हो रहा है बाथरूम में। बाथरूम में इनकी पाड़ वगैरह लगी हुई है, पाड़ ही जो बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा किया था बीम बीम पे, बाकी पड़ा है अभी। तो आज बाथरूम का प्लास्टर होगा। एक भैया आ चुके हैं अभी, बाकी लोग अभी आएंगे। मैंने सब लोगों के लिए चाय चढ़ा दी है, जब तक आएंगे तब तक चाय भी बन जाएगी। एक तरफ चाय बन रही थी तो दूसरी तरफ मैंने पास्ता चढ़ा दिया था, क्योंकि चाय तो चला गया था लंच वगैरह लेके। हम लोगों ने सोचा चलो नाश्ते में आज कल पास्ता बना लेंगे, खाना फिर लेट में ही बनेगा, इसीलिए पास्ता चढ़ा दिया। तो देखिए मेरा पास्ता उबल रहा है और चाय, एक तरफ चाय एक तरफ पास्ता। पास्ता हमारे उबल चुके थे तो यहाँ चढ़ा दी कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला थोड़ा सा तेल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें डाल दिए टमाटर, छोटे छोटे टमाटर कट करके रखे थे, थोड़े से टमाटर डाल दिए थे, और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था, क्योंकि सॉस वगैरह में भी नमक होता है, इसलिए थोड़ा सा कम ही डाला था। जब हल्का सा टमाटर गल गए तो उसमें डाल दिया शिमला मिर्च, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाया था, थोड़ा सा क्रंची क्रंची रहता तो अच्छा लगता है। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं गलाए थे, न टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाया था और ना ही शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा गलाया था। और शिमला मिर्च मुझे पास्ते में बहुत अच्छी, चाहे मैक्रोनी हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे पास्ता, मुझे सब में शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा शिमला मिर्च होती है ना मुझे उतना अच्छा लगता है। तो इन दोनों को डालने के बाद जब हल्का सा फ्राई हो गए थे तो फिर डाल दिया पास्ता और अच्छे से मिला दिया, और करीब 1.5 चम्मच डाला था पिज्ज़ा सॉस, पिज्ज़ा सॉस रखा हुआ था तो इसी में डाला था थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस, और 2 चम्मच करीब डाली थी, ये डाली मैंने मेयोनीज, मेयोनीज क्या बोलते हैं पता नहीं, जो आप समझो वही मेयोनीज। तो मैंने डाल दी थी, उसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया आपस में, क्योंकि पिज्ज़ा सॉस डाल के भी अच्छे लगते हैं पास्ता। सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं जैसे बनाती हूँ मैंने वैसे आपको बताया है। और उसके बाद इसमें डाला थोड़ा सा टमाटो केचप और थोड़ा सा डाला था चिली सॉस, दोनों सॉस डाले थे थोड़े थोड़े, टमाटो वाला और चिली वाला, और इन दोनों को डाल के को अच्छे से फ्राई कर लिया था। नाश्ते में सुबह अच्छे लगते हैं पास्ता, जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि आज चाहत को पूड़ियाँ बना दी थी, हमारा पूड़ी खाने का मन नहीं था इसलिए पास्ता बनाया था। तो चलिए बन गया मेरा पास्ता, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। जा रही हो दो साथ में बाबा? Yeah.
तो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह हो चुकी है, बाकी करेंगे लौट के, क्योंकि जाना है तो उसी के स्कूल। आज कुछ साइन वगैरह करने, तो ये भी रेडी है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो जा रहे हैं, पहले इनके स्कूल जाएंगे। और सब्जियाँ भी यहाँ पड़ी हैं, देखो सब्जी लिखी वो यहीं पे पड़ी है। अभी ये सारा सामान लौट के रखेंगे आके, क्योंकि पहले स्कूल वाला काम निपटाएँ, क्योंकि उधर जाना है फिर दिक्कत होगी। पहले स्कूल का काम ख़त्म कर लेते हैं, बाद में और काम करते हैं। चलिए, तो स्कूल होके फिर मिलती हूँ आपसे घर में। ये क्या बनाया है, तो इतना गीला कर दिया कंगाली में आटा गीला। हाय राम, कितना गीला, टाइट करो इसको। ये लगा रही आटा, आटा कर दिया एकदम गीला। और मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी, क्योंकि स्कूल आने के बाद फटाफट से फिर तैयारी की। ये बन गया चावल, और ये बनी है तरोई की सब्जी, और इसमें कढ़ी रखी है। कढ़ी नीचे से आई थी, मैंने नहीं बनाई, ज्योति दीदी ने बनाई थी। और रायता बनाया, तो रायता बना के रख दिया फ्रिज में। तो मेरा खाना लमसम है तैयार रोटियां बनाने के लिए, तो बनाएंगे रोटियां। और टाइम हो गया 2 बज गया है, चाहत आने वाला होगा, क्योंकि आज लंच भी नहीं लेके गया था, तो आते थे खाना मांगे गए, इसलिए आज जल्दी बना लिया, 3 से पहले बना लिया। ये आएंगे 3 बजे तक, 3-4 जितना बज जाए पता नहीं। रोटी से तभी सेकूँगी जब चाहत आ जाएगा, तब तक आटा लगा के रख देंगे। सब्जियाँ वगैरह बन गई तो फ्री हो गए। ये है ना, आज कितनी बार आई, 10 बार आई होगी तुमसे, हर 10-15 मिनट बाद बारिश आ रही है। मौसम आज का बहुत बढ़िया हो गया है, आज कम से कम 10 बार बारिश हुई है, आती है फिर चली जाती है। कल भी यही आलम था, आज भी यही है, पूरा दिन से यही चल रहा है। भीग गए क्या, पूरा भीग गए हो? हाँ सब पूरा भीग गया हमारा बउआ। चलो गीले कपड़े निकालो फटाफट। ये क्या है, नंबर लाए थे, नंबर गीला हो गया। अरे चलो पहले कपड़े चेंज करो फटाफट, नहाओगे? तो चाहत आ गया था, मैं आ गई थी रोटियां सेकने, क्योंकि रोटी ही बाकी बची थी। तो जब चाहत आता है ना, उसी टाइम रोटी सेकते हैं, क्योंकि इसको रोटी ठंडी कम पसंद है, अगर बना के रख दोगी तो फिर गर्म कराएगा, इससे अच्छा क्या फ़ायदा भैया। जब आए तभी सेको, जब तक ये कपड़े वगैरह चेंज करके नहा करके आएगा, तब तक मैं इसके लिए रोटियां सेक के रख दूँगी, क्योंकि पूरा गीला हो गया है। बारिश ही ऐसी हो रही है ना, पूरा दिन से बारिश हो रही है, सुबह से पूरा शाम हो गई, 3 बज गया, बारिश बंद नहीं है। बस ऐसा होता है ना, 10-15 मिनट के लिए बंद होती है, उसके बाद फिर चालू हो जाती है। पूरा दिन से, कल का भी पूरा दिन ही रहा, कल पूरा दिन ही आलम था, थोड़ी देर बारिश आती थी, थोड़ी देर चली जाती थी, वही आज का तो एकदम भीग गया है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से रोटी, और उसके बाद लगाते हैं चाहत तो खाना, क्योंकि भूखा होगा। खा के गया था पूड़िया 2, आज लंच लेके नहीं गया था, इसका मन नहीं था ले जाने का, पता नहीं क्यों आज नहीं लेके गया था, तो भूखा भी होगा। चलिए फटाफट से लगाते हैं खाना। चलिए तो लग गया है खाना देते से पहले चाहत को खाना, क्योंकि इनके पापा भी आए नहीं, वो बाद में आएंगे। चाहत लो, ये रखो। तो यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय, क्योंकि मिस्त्री लोग भी जाने वाले हैं, तो इनके लिए भी बना रहे हैं, बाकी अपने लोगों के लिए भी बना रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। इसमें भी इधर देखो, जब
आज दूध वाले शाम को काफी लेट आए थे, वैसे थोड़ा जल्दी जाते हैं, मगर आज बारिश है ना, इस वजह से मुझे लगता लेट हो गया। तो चाह गया था नीचे दूध लेने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। आज क्या नाम, भाभी तो बर्तन धोने आई नहीं थी, सलोनी आई थी, और मुझे लगता है वो बर्तन धुल रही है शायद। हाँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मैंने मना किया था कि मत धुलो, मगर उसने बर्तन सारे छाया में खींच लिए। तो टाइम हो गया है 6:30, दूध वगैरह भी गर्म हो गया, गर्म हो गया, बाकी सारे काम हो चुके हैं, लेबर मिस्त्री भी जा चुके हैं, झाड़ू भी लगा दी, क्योंकि उनके जाने के बाद ही झाड़ू लगती है, बाहर जाए जितना साफ करो ना वो गंदा ही रहता है, साफ तो दिखता ही नहीं है। और इसके बाद करेंगे आराम, क्योंकि शाम का खाना वाना तो बनना नहीं है, और कोई काम नहीं। सलोनी भी बर्तन धुल रही है, थोड़े बच्चे हैं तो धुलेगी, क्योंकि वो भी बाद में आती है जब लेबर मिस्त्री वहाँ से चले जाते हैं, उनका भी काम वही, इसलिए वो आती है थोड़ा लेट में। मच्छर बहुत है आजकल, भयंकर वाले मच्छर, आतंक काटे मच्छर, पूरा मच्छरों का आतंक। क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, कोई आया है बाहर। चलिए तो साफ सफाई वगैरह हो चुकी है, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।